स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। बुड़केश्वर थाना क्षेत्र में छात्र के साथ गैंगरेप, नशे में टल्ली शराबियों ने फेंक के मारी बोतल, विरोध करने पर चाकू मार कर निकाल दिया धड़िया। शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला शव। अब खबरें विस्तार से। हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात सनसनी खोज वारदात हुई है। जबलपुर हैदराबाद हाईवे पर दो आरोपियों ने प्रेमी प्रेमिका को धमकाया, प्रेमी से मारपीट कर उसे भगाया और प्रेमिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हाँ बताइए बाबू, क्या हुआ? पूरा घटना बता दीजिए एक बार, बस बताइए तो। बताइए बताइए। हम लोग जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, तो रास्ते में एक सुनसान जगह था, तो वहीं पे उस हरामी लोग 10-12 लोग थे। उन लोग गुंडों ने हम लोग को घेर लिया और मैं अब हम लोगों को घेर कर पूरा बाइक को नीचे गड्ढा में फेंक दिया और मेरे पापा, मेरी मम्मी और मुझे एक बहुत सुनसान जगह पे, मतलब खेत में ले जाकर बहुत बैठाया वहाँ पे, फिर वहाँ पे बैठाया और बोला कि प्रशासन आने वाला है जो तुम लोग के हाँ और ना में जवाब दो और मुंडे नीचे करके बैठो। और भी दो लोग थे बहुत पहले से ही, उन लोग को हाथ को बांध कर रखे हुए थे, उन लोग को भी बहुत पीटे। फिर बहुत कुछ पापा से पूछे कि क्या करते हो, फिर ये बोला कि तुम लोग के हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट उन लोग फिर हम लोग को पूरा, मतलब मम्मी से पूरा सब कुछ छीन लिया जितना भी हम लोग का था। हम लोग नए नए कपड़े घर पर ले जा रहे थे और जितना भी मम्मी का गाना, मतलब पहनी हुई थी, जितना सारा से छीन लिया और पापा 2000 पैसा लिए हुए तो वो भी छीन लिया। फिर पापा को फ्रेंड की जगह पे रिवॉल्वर लगा दिया और मेरे फ्रेंड की जगह पे रिवॉल्वर लगा कर और मुझे बहुत दूर ले गया, कमीन ने बहुत दूर ले गया और मेरे फैमिली से बहुत दूर ले गया और मुझे रेप कर दिया। कितने लोग थे लगभग मेरे पास? 3-4 लोग थे और मेरे सब पेरेंट्स के पास थे और सब उन लोग के तो नहीं जानते उन लोग क्या किए, बट मेरे पास 3-4 लोग थे, उन लोग बहुत ही कमीने थे। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरी लड़की के साथ हो, और मैं कानून से यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन लोग की सजा हो और उन लोग का फांसी की सजा हो, क्योंकि हम उसे फांसी पर लटकना देखते जाते तभी मेरा इंसाफ होगा। उन लोग का पहचान लिए हैं? उन लोग हम पहचान नहीं पाए क्योंकि उन लोग पूरा भुड़के में थे। ठीक है, मिली जानकारी से पता चला है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी खरसोली निवासी अनिल वसंता ठेटे और हुड़केश्वर निवासी बाबा रामदास भगत, इन्होंने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया है, हवस का शिकार बनाया है। दिल्ली के उत्तम नगर थाना इलाके में कुछ शराबियों ने एक युवक को चाकू मार कर फरार हो गए। दरअसल बात सिर्फ इतनी ही थी कि गली से गुजर रहे एक युवक पर शराबियों ने शराब की खाली बोतल फेंक दी। पीड़ित की हालत नाजुक बताई गई। राजधानी के शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस के अलावा आला अधिकारी पहुंच गए।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।